नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको गोरखपुर ज़िले के सभी प्रमुख दर्शनीय स्थलों के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, गोरखपुर उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध शहर है जो कि पूर्वी भाग में नेपाल की सीमा पर स्थित है। गोरखपुर की सीमाएं पूर्व में देवरिया और कुशीनगर, पश्चिम में संत कबीर नगर, उत्तर में महाराजगंज और सिद्धार्थ नगर तथा दक्षिण में मऊ आजमगढ़ से लगती हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं गोरखपुर ज़िला के प्रमुख दर्शनीय स्थलों के बारे में। नंबर एक, गोरखनाथ मंदिर। गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है जो कि शहर के बीचों बीच में स्थित है। यह मंदिर उस जगह बनाया गया है जहां गुरु गोरखनाथ साधना किया करते थे। यह मंदिर 52 एकड़ ज़मीन पर बनाया गया है। गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर ज़िला के सबसे सुंदर और विशिष्ट मंदिरों में से एक है। प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी के दिन यहां मकर संक्रांति मेले का आयोजन किया जाता है जिसमें लाखों की संख्या में लोग सम्मिलित होते हैं। नंबर दो, गोरखपुर रेल म्यूजियम। यह रेल म्यूजियम गोरखपुर रेलवे स्टेडियम कॉलोनी के पास स्थित है। यह रेल म्यूजियम गोरखपुर पर्यटन स्थल में आकर्षण का केंद्र है। गोरखपुर रेल म्यूजियम साल 2007 में जनता के लिए खोला गया था। इस म्यूजियम का सबसे विशेष आकर्षण लॉर्ड लॉरेंस का भाप इंजन है। यह 1874 में लंदन में बनाया गया था और एक जहाज द्वारा भारत में आयात किया गया था। इसके अलावा यहाँ पर एक छोटा सा पार्क है, साथ ही साथ बच्चों के मनोरंजन के लिए यहाँ एक खिलौना ट्रेन भी है। नंबर तीन, रामगढ़ ताल। रामगढ़ ताल गोरखपुर शहर के अंदर स्थित एक विशाल ताल है। यह रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है जो कि 1700 एकड़ के विस्तृत भूभाग में फैली एक विशाल और प्राकृतिक झील है। इसकी सुंदरता और वातावरण को देखने सुबह व शाम लोगों की भीड़ लगी रहती है। यहाँ पर जल क्रीड़ा केंद्र, नौका विहार, बौद्ध संग्रहालय, तारामंडल, चंपा देवी पार्क और अंबेडकर उद्यान आदि दर्शनीय स्थल हैं। नंबर चार, विष्णु मंदिर। यह मंदिर गोरखपुर शहर में मेडिकल कॉलेज रोड पर रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर की दूरी पर शाहपुर मोहल्ले में स्थित है। इस मंदिर की स्थापना 12वीं शताब्दी में पाल राजवंश द्वारा की गई थी। मंदिर के चारों कोनों में देवता जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ, रामेश्वरम और द्वारिका की मूर्तियां स्थापित हैं। यहां दशहरा के अवसर पर पारंपरिक रामलीला का आयोजन होता है। नंबर पाँच, गोरखपुर जू। गोरखपुर शहर में यह जू एक आगामी प्राणी उद्यान है जो कि शहीद अशफाक उल्ला खान के नाम पर बनाया जा रहा है। यह चिड़ियाघर 121 एकड़ में बन रहा है जो कि यूपी का दूसरा सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। भविष्य में इस चिड़ियाघर में 58 से ज़्यादा प्रजाति के 387 वन्य जीव रखे जाएंगे। साथ ही साथ यहां पर तितली पार्क, मछली एक्वेरियम, स्नेक हाउस, ओपन थिएटर, कैफेटेरिया, टॉय ट्रेन जैसी मनोरंजन की तमाम सुविधाएं मौजूद होंगी। नंबर छः, नीर निकुंज वाटर पार्क। नीर निकुंज वाटर पार्क गोरखपुर शहर का एकमात्र वाटर पार्क है जो कि करीब 12 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह वाटर पार्क गोरखपुर शहर में रेल विहार कॉलोनी के पास स्थित है। गर्मी के महीनों में यहाँ काफ़ी संख्या में लोग आते हैं। नंबर सात, गीता वाटिका। गीता वाटिका गोरखपुर के सबसे प्रमुख पर्यटक आकर्षणों में से एक है। साथ ही साथ गीता वाटिका गोरखपुर में सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। इस मंदिर में राधा और कृष्ण की मनमोहक मूर्तियाँ हैं। गीता वाटिका आज राधा कृष्ण भक्ति का अलौकिक राष्ट्रीय केंद्र बन चुकी है जिसकी स्थापना संत भाई जी हनुमान प्रसाद ने की थी। गीता वाटिका में श्री कृष्ण जन्माष्टमी और राधाष्टमी समेत आधा दर्जन से अधिक उत्सव वर्ष भर मनाए जाते हैं जिसमें हिस्सा लेने के लिए देश भर से श्रद्धालु आते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप इन सब जगहों में से कहाँ कहाँ पर गए हुए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर आठ, नेहरू पार्क। नेहरू पार्क गोरखपुर के लाल डिग्गी इलाके में गीता प्रेस के बगल में स्थित है। यह पार्क गोरखपुर के लोगों का पसंदीदा पार्कों में से एक है। साथ ही यहां पर एक स्मारक भी है जो कि स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल को समर्पित है। इस पार्क में सुबह और शाम लोग घूमने के लिए आते हैं। नंबर नौ, कुसमी फॉरेस्ट। कुसमी फॉरेस्ट साल के पेड़ों का घना जंगल है जो कि काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। यह गोरखपुर रेलवे स्टेशन से 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ बुढ़िया माई नामक एक धार्मिक पिकनिक स्थान है। साथ ही यहाँ पर विनोद वन पार्क और एक चिड़ियाघर भी है।
स्थानीय लोगों के लिए यह एक मनोरंजन वाली जगह है। नंबर 10, विंध्यवासिनी पार्क। विंध्यवासिनी पार्क कौवा बाग कॉलोनी में स्थित है। यह पार्क गोरखपुर में एक फेमस पार्क है। दिलचस्प विषयों, शानदार डिजाइन, रंगीन परिदृश्य, मनमोहक पात्रों और परिवेश संगीत का यहाँ बेहतरीन संगम है। परिवार के साथ समय गुजारने के लिए यहाँ लोग आते हैं। नंबर 11, वीर बहादुर सिंह तारामंडल। वीर बहादुर सिंह प्लेनेटेरियम GDA गोरखपुर के पास स्थित है। इसे तारामंडल भी कहा जाता है। पूरे पूर्वांचल में यह एकमात्र नक्षत्रशाला है। इस तारामंडल का दीदार करने हर दिन काफ़ी लोग आते हैं। ग्रहों, आकाश और सौर मंडल के इतिहास के बारे में यहाँ बताया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर कोई भी अपना वजन अलग अलग ग्रहों पर देख सकता है। नंबर 12, गीता प्रेस। गीता प्रेस एक प्रसिद्ध प्रेस है जो पुराने हिंदू ग्रंथों और शिक्षाओं के प्रकाशन के लिए जाना जाता है। गीता प्रेस रेलवे स्टेशन से 4 किलोमीटर की दूरी पर रेती चौक में स्थित है। यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता के संपूर्ण 18 अध्याय के श्लोक उत्कीर्ण हैं। साथ ही साथ यहाँ की दीवारों पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एवं भगवान श्री कृष्ण के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं की चित्रकला प्रदर्शित हैं। यहाँ पर हिंदू धर्म की दुर्लभ पुस्तकें, हैंडलूम और टेक्सटाइल आदि बेचे जाते हैं। नंबर 13, सिटी मॉल। सिटी मॉल गोरखपुर का पहला मॉल है। यहाँ आकर्षण छूट के साथ अच्छी दुकानें और सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट आदि मौजूद हैं। सिटी मॉल में जिले भर के लोग आते हैं और यहाँ अच्छी खासी भीड़ भी होती है। नंबर 14, इमामबाड़ा। गोरखपुर नगर के मध्य में रेलवे स्टेशन से 24 किलोमीटर की दूरी पर इमामबाड़ा स्थित है। इस इमामबाड़ा का निर्माण हजरत बाबा रोशन अली शाह की अनुमति से सन 1717 ईस्वी में नवाब आसफुद्दौला ने करवाया था। उसी समय से यहाँ पर एक स्वर्ण और एक चांदी का दो बहुमूल्य ताजिया रखा हुआ है। यहाँ से मुहर्रम का जुलूस निकलता है। नंबर 15, गोरखपुर पुरातात्विक संग्रहालय। सन 1957 में स्थापित यह पुरातात्विक संग्रहालय इतिहास, नियम, संस्कृत परंपराओं और पिछले और वर्तमान गोरखपुर के पुरातात्विक निष्कर्षों को चित्रित करता है। यह गोरखपुर के फेमस प्लेस में से एक है और यहाँ हर समय भीड़ रहती है। यह दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय के विद्यालय परिसर में स्थित है। इसके अंदर संरक्षित कलाकृतियों में प्राचीन सिक्के, मूर्तियाँ, पेंटिंग्स, पत्थर के उपकरण, पुराने आभूषण आदि हैं। दोस्तों, आपको बताते चलें कि इन सब के अलावा गोरखपुर में सूर्यकुंड मंदिर, मुंशी प्रेमचंद्र उद्यान, प्राचीन महादेव झारखंडी मंदिर, आरोग्य मंदिर आदि भी प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आपका पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।